गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड कंटिन्यू स्टडी एट योर होम. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, चाइना सिल्क. चैप्टर का नेम क्या बेटा? चाइना सिल्क. डैट मीन्स जो सिल्क है वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? चाइना में. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिल्क के बारे में पढ़ेंगे. यू ऑल हैव टू राइट 2 times ऑन द चैप्टर. एंड लिखना नहीं है, आप सबको ये चैप्टर 2 times रीड भी करना है. सो नाउ वी स्टार्ट रीडिंग आर चैप्टर. दिस चैप्टर इज रिटन बाय सुधा मूर्ति. वो क्या थी? एक इंडियन सोशल वर्कर थी. मीन्स जो भी सोशल वर्क होता है वो करती थी. एंड राइटर इन कन्नाडा एंड इंग्लिश. और वो किसकी राइटर थी बेटा? कन्नाडा एंड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखती थी. हर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड फादर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, ब्रिंग फोर्थ हर मेमरीज एंड एक्सपीरियंस विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स. और जो उसकी कलेक्शन था स्टोरीज का, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, जो उनका टाइटल था, ब्रिंग्स फोर्थ हर मेमरीज एंड एक्सपीरियंस विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स. और उसको वो सारा एक्सपीरियंस वगैरह कहाँ से मिला था? उसकी ग्रैंड पेरेंट्स से. और उन्होंने उन्हीं से सीखा था कैसे रीड वगैरह करना है. नाउ वी स्टार्ट रीडिंग आर चैप्टर. अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ टाइनी विलेज इन चाइना देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल फ्रॉम अ वेवर्स फैमिली. बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा गाँव था चाइना में, वहाँ कौन रहती थी? एक पुअर गर्ल रहती थी. मीन्स गरीब सी एक लड़की रहती थी. कहाँ से थी वो? वेवर्स की फैमिली से. वन डे द एम्परर वॉज पासिंग थ्रू द विलेज एंड सो हर वर्किंग इन द फील्ड्स. और एक दिन क्या होता है वहाँ से? एम्परर मीन्स होता है बेटा किंग, सम्राट. वहाँ से एक निकलता है, जो भी राजा होता है वहाँ से निकलता है. और क्या देखता है? उस लड़की को वहाँ पर काम करते हुए देखता है. कहाँ पर? खेतों में. ही नोटिस हर प्राउड बियरिंग एंड हर रफ वर्क वॉन हैंड्स. और वो उसको देखता था, वो क्या कर रही होती है? वर्क कर रही होती है. और अभी वो विलेज में फील्ड्स में काम कर रही, डैट मीन्स वो मेहनत का काम कर रही है ना. विच मीन्स ही वर्क वेरी हार्ड थ्रू द ईयर. अब वो उसकी जो हाथ वगैरह उसके जब देखता है तो राजा को क्या लगता है? कि बहुत ही मेहनत करती है इस फील्ड में, बहुत ही काम करती है. ही इमिडिएटली फेल इन लव विथ हर एंड डिसाइडेड टू मैरी हर. एंड जब वो राजा उसको देखता है तो उनको देखते ही वो लड़की पसंद आ जाती है और वो क्या कहते हैं? उससे शादी करने का सोचते हैं. The girl married the ruler of the land and went to live in his palace as his beloved queen. अभी क्या होती है, जो girl होती है ना जिसको वो देखता है राजा, वो उससे ruler से शादी कर लेती है और उसके साथ कहाँ चली जाती है? रहने के लिए उसके palace में. और वो उसकी क्या कहलाती है? King की queen. But she was unhappy. पर वो क्या थी? खुश नहीं थी. क्यों नहीं थी? She had grown up in the wide open spaces of the countryside. वो बड़ी कहाँ पे होती? कंट्री साइड एरिया में होती. डैट मीन्स वहाँ पे अभी जब हम गांव में देखते हैं तो वहाँ क्या होता है? खुली खुली जगह होती है, बहुत ही जगह होती है आपको खेलने के लिए, होती है ना. एंड नाउ सी वॉज कन्फाइंड टू अ प्लेस, पैलेस. तो अभी वो क्या हो गई? कन्फाइंड मीन्स होता है बेटा एक ही जगह पे बंद हो जाना. अभी गाँव जाते थे हम, आप सब भी जाते हो गाँव, तो वहाँ पर सब क्या होता है? खुला खुला होता है, वहाँ पर आप बहुत ही इंजॉय करते हो. और यहाँ जब हम आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? अपने ही रूम में या अपने ही घर में ही घर रहते हैं, बाहर हमें खेलने को इतना नहीं मिलता. तो जो वो प्रिंसेस थी उसको क्या? बाहर की दुनिया पसंद थी, उसको एक ही रूम में बंद रहना अच्छा नहीं लगता था. सी वॉज यूज टू वर्किंग फ्रॉम डॉन टू नाइट विदाउट अ मोमेंट्स रेस्ट. उसकी क्या आदत थी? वो सुबह से लेकर रात तक काम करती थी, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती थी. बट नाउ सी हैड मैनी सर्वेंट्स टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स एंड डिड नॉट नो हाउ टू फिल हर टाइम. अभी लेकिन अब क्या था, उसके पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, मीन्स नौकर या जो भी उसका ध्यान रखने वाले. वो उसकी क्या करते थे? ध्यान रखते थे उसका, कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. और उसको नहीं समझ में आता कि वो अपना टाइम कैसे फिल करे. डैट मीन्स अब उसको कुछ, अभी जो बहुत सारा काम कर रखा हो उसको अगर हम एकदम से बंद करेंगे तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसा. इन द विलेज सी हैड बीन सराउंडेड बाई फैमिली एंड फ्रेंड्स हु एक्सचेंज न्यूज़ एंड गॉसिप्स एज दे वर्क. अभी जब विलेज में थे तो किससे सराउंड थी, मीन्स उनके चारों ओर कौन रहते थे? फैमिली मेम्बर्स रहते थे और फ्रेंड्स रहते थे. और वो क्या करते थे? एक साथ अभी सब साथ में बैठते, आप भी फ्रेंड्स अभी जब आओगे स्कूल एकदम से तो आपके साथ बहुत सारी बातें होगी जब आप सब फ्रेंड्स एक साथ शेयर करोगे ना एक दूसरे के साथ. वैसे ही उनके साथ भी फैमिली और फ्रेंड्स रहते थे प्रिंसेस के. वो क्या करते हैं? न्यूज़ गॉसिप्स मीन्स बातें इधर उधर की सारी बातें एक साथ भी जब वो वर्क करते थे तो वो क्या करते थे? अपनी बातें शेयर करते थे. बट इन द पैलेस इट वॉज क्वाइट एंड नो वन स्पोक आउट ऑफ टर्न. बट जो पैलेस था, डैट मीन्स जो राजा के जो महल था, उसमें कोई भी नहीं था उससे बात करने के लिए. सब क्या थे? शांत शांत रहते थे. द एम्परर नोटिस्ड हिज वाइफ वॉज सैड एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी. अभी जब राजा जब देखता है कि उसकी वाइफ क्या है? सैड है, तो वो अपनी बहुत ही
बेस्ट तरीके यूज़ लेता है उसको खुश करने के लिए. ही बाउट हर ग्रैंड क्लोथ्स एंड जेवल्स एंड आर्टिफैक्ट्स. वो उसको क्या दिलाता है, ग्रैंड क्लोथ मीन बहुत ही महंगे महंगे कपड़े दिलाता है, ज्वेलरी मीन्स गहने वगैरह, और आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मीन्स क्या बेटा, जो भी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पुरानी चीज़ें या पुराने जो भी कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं कल्चरल, जो हमारी बताते हैं हमारा कल्चर कैसा था, वो सब थिंग्स उसको देता है. ही थ्रू एलोबरेट पार्टीज एंड हायर द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द लैंड टू अम्यूज हर. वो क्या करता था, बहुत ही बड़ी बड़ी पार्टीज रखता था और जो बेस्ट सिंगर होते थे उनको वहाँ पर बुलाता था. किस लिए बुलाता था, टू अम्यूज हर मीन्स उसको खुश करने के लिए. येट सी वॉज सैड, लेकिन फिर भी वो अभी तक क्या थी, खुश नहीं थी, वो परेशान थी. वन आफ्टरनून द एम्प्रेस सैट अंडर अ मलबरी बस इन हर गार्डन. एक दिन दोपहर में कहाँ जाती है प्रिंस एम्प्रेस, जो रानी होती है वो कहाँ जाती है, मलबरी बस इन हर गार्डन. उसके गार्डन में क्या होता है, एक मलबरी बस होता है, एक पेड़ होता है बेटा, वो वहाँ पे जाके बैठती है. लॉस्ट आर इन थॉट्स एंड अबाउट हर विलेज. और वो वहाँ बैठ के क्या, कहाँ खोई हुई रहती है, अपने गाँव की यादों में. सी स्लोली सिप हॉट वाटर फ्रॉम अ कप. और वो क्या ले रही होती है, जो कप में जो गर्म पानी होती है उसकी सिप ले रही होती है, मतलब मीन्स हल्का हल्का उस पानी को पी रही होती है. स्टैंडिंग अप एट द ब्लू स्काई द गर्ल रिमेंबर द बर्ड्स डेट फ्लू ओवर हर विलेज. स्टैंडिंग मीन्स थोड़ा बेटा देखना. वो क्या करती है, जब ब्लू स्काई में देखती है तो उसको क्या याद आता है, बर्ड्स जो उसके गांव में जो बर्ड्स फ्लाई करती थी स्काई और में, तो उसको वो सब याद आने लग जाता है. देन साइनिंग सॉफ्टली टू हरसेल्फ. अब जब उसको बहुत याद आने लग जाती है तो वो क्या, साइनिंग मीन्स होता है बेटा एकदम ज़ोर से सांस लेना. या सी पिक्ड अप हर कप टू टेक अनदर सिप. वो अब क्या करती है, वापस कप को उठाती है, किस लिए, दूसरा सिप लेने के लिए. बट वॉट वॉज दिस, तो एकदम उसको क्या दिखता है, वो बोलती है ये क्या है, अ कोकून फ्रॉम द मलबरी बस हैड ड्रॉप इन टू द हॉट वाटर. अभी जो कोकून होता है वो कहाँ से निकलता है, मलबरी बस से. डेट मीन्स जो पेड़ होता है वहाँ से क्या निकल रहा होता है, कोकून निकल रहा होता है, और वो किसके अंदर जाता है, वो हॉट वाटर के अंदर. बट देन सी टुक अ क्लोजर लुक एंड सो सी सो सम थ्रेड्स पीपिंग आउट फ्रॉम द कोकून. जब वो उसको एकदम गौर से देखती है तो क्या देखती है वो, कि उसको कुछ धागे निकलते हुए दिखाई देते हैं. कहाँ से, जो कहाँ से आ रहे होते हैं, कोकून से, उस कोकून से बाहर निकल रहे होते हैं. व्हेन वेयर हैड दे कम फ्रॉम. अब वो सोचते हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं. सी पुल द थ्रेड्स. वो क्या करती है, उस धागे को खींचती है, ऐसे मतलब निकालती है. दे वेयर थिन स्ट्रॉन्ग एंड साइनिंग. वो कैसे होते हैं, पत्ते से होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कैसे होते हैं, बिल्कुल साइन कर रहे होते हैं. सी केप पुलिंग एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ थ्रेड कैम आउट. वो उसको वहाँ से खींचती रहती है, खींचती रहती है, तो बहुत ही बड़ा धागा वहाँ से निकलता है. नाउ द एम्प्रेस हैड अ ग्रेट आइडिया. अभी जो एम्प्रेस होती है, जो रानी होती है, उसको क्या आता है, बहुत ही बड़ा थॉट आता है, बहुत ही बड़ा आइडिया आता है. सी वुल टेक द थ्रेड फ्रॉम मैनी कोकून्स एंड वेव सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉथ फ्रॉम इट. अभी क्या करती है, वो बहुत सारा धागा निकालती है. कहाँ से निकालती है बेटा, कोकून से एंड वेव. और क्या बनाती है, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग क्लोथ फ्रॉम. उससे क्या बनाती है, एक सॉफ्ट मीन्स बिल्कुल मुलायम सा स्ट्रॉन्ग क्लोथ बनाती है उससे. जो वहाँ से जो धागे निकले थे, धागे कहाँ से निकले थे, मलबरी लीव से, कोकून से. तो वहाँ से जो धागा निकलता है उससे वो क्या बनाती है, बहुत ही सुंदर और मुलायम एक कपड़ा बनाती है. सो अभी हम ये चैप्टर यहीं तक रीड करेंगे. हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आप सब यहाँ तक टू टाइम्स रीड करोगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ, टेक केयर.